हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। हम लोग का शाम को 7 बजे केमिस्ट्री चलता है, सुबह में फिजिक्स का क्लास चलता है और मैथ का क्लास अभी एक दो दिन से हो नहीं रहा है, तो मैथ का क्लास भी स्टार्ट कर देंगे तुरंत ही। और वो 11 बजे से चलता है हम लोग का क्लास। कितना बजे से? 11 बजे से। तो आज हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। पहले हम लोग मैटर पढ़ रहे थे, मैटर में एलिमेंट ये सब पढ़ लिए, एलिमेंट पढ़ लिए, फिर उसका तत्व पढ़ लिए, मैटर का जो फिजिकल स्टेट होता है वो पढ़ लिया। तो आज हम लोग जो केमिकल स्टेट होता था, प्योर सब्सटेंस था और एक मिक्सचर था। तो प्योर सब्सटेंस में हम लोग एलिमेंट के बारे में पढ़े, फिर एलिमेंट में जितना भी था मेटल नॉन मेटल और मेटलॉइड जितना, तो उस सब के बारे में पढ़े। और हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड यौगिक। कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं और क्या क्या होता है, इसके बाद फिर हम लोग मिक्सचर में जाएंगे और मिक्सचर को देखेंगे। तो देखिए, कंपाउंड यौगिक, कंपाउंड यौगिक एलिमेंट हम लोग क्या पढ़े थे, एलिमेंट में COMPOUND कंपाउंड मतलब यौगिक। देखिए यौगिक हम लोग किसको बोलते हैं, जैसे एलिमेंट हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट शुद्ध होता है, प्योर होता है, वो किसी और दूसरे चीज से मिलके नहीं बनाता, मतलब वो सेम चीज से मिलके बनाता है, जिसको हम लोग परमाणु बोलते हैं, यानी एक एक परमाणु से मिलके बना होता है। और उसको हम लोग अलग अलग भी नहीं कर सकते, सेपरेट भी नहीं कर सकते, चाहे कोई भी मेथड से, फिजिकल मेथड से, केमिकल मेथड से, कोई भी मेथड से अलग नहीं कर सकते। उसी तरह से कंपाउंड है। देखिए कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस ही है, प्योर सब्सटेंस है, लेकिन इसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलके बनता है। दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलके किसी एक तीसरे चीज का निर्माण करता है। जैसे दो एलिमेंट कुछ मिल गया और दो एलिमेंट जो भी मिला, उस दोनों एलिमेंट एक फिक्स प्रोपोर्शन में हम लोग मिक्स करते हैं, उसको एक फिक्स प्रोपोर्शन में दोनों को मिक्स करेंगे और उसके बाद उससे एक नया प्रोडक्ट हम लोग निर्माण करेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग यौगिक। और यौगिक को हम लोग अलग अलग मेथड, अगर दो एलिमेंट है तो दोनों को दो एलिमेंट मिलकर एक तीसरा चीज बना है, तो हम लोग फिर अगर फिर सोचे कि जो तीसरा चीज बना उसको तोड़ के, यानी या उसको सेपरेट हम लोग को करना है, प्रारंभिक अवस्था में लाना है, तो उसको हम लोग कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल मेथड से उसको हम लोग नहीं हटा सकते, उसको हमको केमिकल मेथड करना होगा, केमिकल प्रोसेस करना होगा, तब उसको हम लोग हटा सकते। तो यौगिक, देखिए यौगिक भी क्या है, प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस का ये भी एक पार्ट था। तो यौगिक एक शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलके एक नया चीज का निर्माण करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, उसी को हम लोग बोलते हैं यौगिक। और जो भी एलिमेंट, दोनों एलिमेंट मिक्स करते हैं, उसको भार के अनुसार से एक फिक्स प्रोपोर्शन में, फिक्स रेशियो में हम लोग दो चीज या दो से अधिक जो भी जितना भी चीज मिलाएंगे सबको एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाएंगे, ऐसे ही नहीं कर देंगे। तो फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाने के बाद एक नया चीज का निर्माण होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं यौगिक। जैसे देखिए यौगिक में भी क्या क्या, कैसे 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 मिलता है, इसका एग्जांपल देखना हो तो जैसे H2O, H2O क्या है, H2O पानी है, इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। देखिए हाइड्रोजन भी एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, तो इसको देखते हैं H2O, H2O क्या है, H2O एक कंपाउंड है, इसमें देखिए हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो देखिए एक हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन है गैस है, हाइड्रोजन क्या है गैस, और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन भी गैस है, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस और ऑक्सीजन भी गैस, और दोनों क्या है एलिमेंट है। जब इस दोनों को हम लोग मिक्स करवाएं, दोनों को रिएक्शन करवाएं एक दूसरे के साथ, तो एक नया चीज का निर्माण हो गया, और वो नया चीज का क्या निर्माण हुआ, H2O मतलब हाइड्रोजन ऑक्साइड, और ये क्या है, ये एक द्रव्य है, ये क्या है द्रव्य। देखिए जब हम लोग गैस को दोनों को मिलाए तो एक चीज का निर्माण हुआ, द्रव का, एक चीज याद रखिएगा यौगिक में। तो यहां से हम लोग क्या देख रहे थे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट है, दोनों अलग अलग गैस है, और दोनों को जब मिक्स कर रहे थे हम लोग, द्रव का निर्माण हो जा रहा है। तो यहां देखिए हम यौगिक में क्या बोले कि दो एलिमेंट को एक साथ मिक्स करेंगे और एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स करेंगे, तो एक नया चीज का हम लोग को निर्माण होगा। और वो जो नया चीज का निर्माण होगा, वो जो पहले जो स्टेट था, जैसे जो एलिमेंट था, ये जो हाइड्रोजन है इसका कुछ अलग प्रॉपर्टी, अपना अलग गुण है, अलग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन का भी अलग प्रॉपर्टी है, और जब इस दोनों को मिक्स करेंगे तो एक अलग चीज का निर्माण हो जाएगा, और जो अलग चीज का निर्माण होगा उसका भी एक अलग प्रॉपर्टी अपना चलना शुरू हो जाएगा, यानी
जब दो चीज को मिक्स करेंगे तो वो दोनों अपना अस्तित्व को क्या होता है, खो देता है। जितना उसका अपना गुण था उस सब गुण को त्याग देता है और एक नया चीज का फॉर्मेशन करता है, नया चीज का निर्माण करता है और उसका एक नया गुण होता है। जैसे देखिए हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन गैस और वो ऐसा गैस है जो बहुत ज्वलनशील गैस है, बहुत जलता है, तेजी से जलता है। और ऑक्सीजन क्या है, देखिए हाइड्रोजन गैस जलता है, ऑक्सीजन गैस क्या है, इसको जलाने में सहायता करता है। देखिए दोनों का गुण अलग अलग है, हाइड्रोजन गैस क्या है, जलता है, मतलब आग लगता है उसमें, और ऑक्सीजन क्या है कि उसको तेजी से जलने में उसको और हेल्प करता है। और जब दोनों एक साथ मिल जाता है तो पानी का निर्माण करता है, और पानी ऐसा चीज है कि जो आग लगा है उसको बुझा देगा। तो देख लीजिए यहाँ से सबका प्रॉपर्टी क्या है, सबका प्रॉपर्टी अलग अलग है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यौगिक में क्या आता है कि कोई भी कंपाउंड बनता है तो अपना जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट का अस्तित्व, जो भी उसका प्रॉपर्टी है, सब खो देता है। ऐसा ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है। जैसे ये तो H2O का था, अब जैसे देखिए NaCl का, सोडियम क्लोराइड, जो हम लोग का सोडियम क्लोराइड होता है उसमें क्या है, सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम प्लस क्लोरीन दोनों को मिलाते हैं तो हम लोग को NaCl का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ क्या होता है कि सोडियम एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है और एक क्लोरीन एक एलिमेंट, ये दोनों ऐसा एलिमेंट है, ऐसा एलिमेंट है, दोनों विषैला, सोडियम धातु है, क्लोरीन अधातु है। इसमें देखिएगा कि दोनों विषैला पदार्थ, मतलब दोनों विषैला करने के बाद दोनों जहरीला टाइप का है, ये भी बहुत खतरनाक एलिमेंट है, ये भी खतरनाक एलिमेंट है। और ये दोनों जब मिल जाता है, ये जब दोनों मिल जाता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं घरों में खाना बनाते समय। तो देख लीजिए यही ये समय घटना घटता है। तो सबका अलग अलग सबका अलग अलग प्रॉपर्टी हो जाता है, और जो भी पहले अपना जो भी एलिमेंट का अपना गुण होता है वो गुण कंपाउंड में क्या होता है, खो देता है। ऐसे ऐसे बहुत सारा, जैसे अमोनिया हो जाता है, NH3 हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, CO2 ले लीजिए, फिर कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए, CaCO3 ले लीजिए, तो सबका अलग अलग प्रॉपर्टी हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लीजिए, HCl, अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए, NH4Cl, सबका क्या है, सबका अपना अलग अलग प्रॉपर्टी हो जाता है। अब देखिए जैसे अगर इसको सबको एक जगह हम बोलना चाहते एक जगह बोल सकते, जैसे यौगिक के क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है, यौगिक को सबसे पहले कि देखिए ये जो अगर मान लीजिए H2O है, इसको हम लोग तोड़ना चाहें, H2O को अलग करना चाहे, हाइड्रोजन को अलग करना चाहे और ऑक्सीजन को अलग करना चाहे, तो इसको हम लोग फिजिकल मेथड से, मतलब साधारण विधि से ऐसे ही गर्म करके या और छानकर या और कुछ करके इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते। तो इसके लिए इसको हम लोग अलग करना है तो कौन सा मेथड अपनाना होगा, केमिकल मेथड अपनाना होगा, जैसे इलेक्ट्रिक गुजारना होगा, इलेक्ट्रिक गुजार के इसको सबको अलग अलग करना होगा, मतलब इसको साधारण विधि द्वारा हम लोग अलग नहीं कर सकते। जैसे देखिए सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड को सोचिएगा कि साधारण विधि से अलग कर दे तो ये अलग नहीं होगा, तो इसके लिए हमको केमिकल मेथड अपनाना होगा, केमिकल प्रोसेस अपनाना होगा, उससे हम लोग अलग कर सकते। तो पहला प्रॉपर्टी ये है कि इसको हम लोग को अगर अलग करना है तो ये साधारण विधि द्वारा अलग नहीं होगा, इसके लिए हाई प्रोसेस थोड़ा करना होगा। और देखिए इसका सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि जो भी एलिमेंट बना और जो भी एलिमेंट का अपना गुण था, जो भी तत्व का अपना गुण था, और जैसे ये कंपाउंड बना तो अपना जो भी तत्व का, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो भी अपना गुण था, सब गुण क्या होता है, सब गुण खो देता है, अपना सब गुण त्याग देता है और एक नया कंपाउंड का निर्माण करता है जल का, और उसका भी एक नया गुण शुरू हो जाता है, नया प्रॉपर्टी शुरू हो जाता है। एक ये भी यौगिक का गुण है। और क्या करते हैं, इसको हम लोग एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाते हैं, इसको हम लोग 1:8 मिलाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:8 मिलाते हैं, और इसको द्रव्यमान के अनुसार, यानी अगर एक किलो हाइड्रोजन मिलाएंगे तो 8 किलो हमको ऑक्सीजन मिलाना होगा, मतलब भार के अनुसार इसको हम लोग 1:8 में मिलाकर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाते हैं और एक नया चीज का निर्माण होता है जो होता है जल। तो सबका अलग अलग अपना अपना गुण होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन रहता है 3 और ऑक्सीजन रहता है, अगर कार्बन और ऑक्सीजन का लीजिए तो कार्बन ऑक्सीजन क्या होता है 3:8 का रेशियो में इसको मिलाते हैं भार के अनुसार, यानी 3 किलो कार्बन तो 8 किलो ऑक्सीजन, ये हम लोग का कंपाउंड होता है और इससे नया चीज का फॉर्मेशन होता है, नया चीज का निर्माण होता है और वो क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जितना भी ये सब हम लोग मिक्स कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाए 1:8 में, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कार्बन ऑक्सीजन मिलाए 3:8 में,
उसी तरह सोडियम क्लोराइड को भी मिलाएंगे, अमोनियम क्लोराइड को भी मिलाएंगे, सब चीज को मिलाएंगे। तो ये एक फिक्स प्रोपोर्शन में हम लोग इसको मिलाते हैं, और फिक्स प्रोपोर्शन में जिसको मिलाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। एक चीज याद रखिएगा, जैसे मिक्सचर अभी नहीं पढ़ा है, एक होमोजीनियस होता है, एक हेट्रोजीनियस मतलब होता है, एक समांग मिश्रण एक विसमांग मिश्रण। तो समांग मिश्रण क्या होता है, वो भी एक मिश्रण, ये भी क्या है, एक तरह का मिक्सचर ही मिश्रण है, लेकिन एक वेल प्रोपोर्शन में। ये नहीं कि जैसे तैसे कुछ भी कुछ ज्यादा मिला दिए कुछ कम मिला दिए, वो ऐसा नहीं है। इसमें एक वेल प्रोपोर्शन में वेल रेशियो में क्या मिला रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग समांग मिश्रण मतलब होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि कंपाउंड को हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर करते हैं कहते हैं। बस इतना ही, कंपाउंड इतना ही छोड़ देते हैं, कंपाउंड यहां तक हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा मिक्सचर पढ़ देते हैं। मिक्सचर में भी ज्यादा नहीं है, मिक्सचर मतलब मिक्सचर का वो मिक्सचर से ही पता चल रहा है, मिश्रण मिश्रण कुछ भी चीज को एक दूसरे के साथ मिला दिए। जैसे देखिए ये जो हम लोग अभी कंपाउंड पढ़ रहे थे, ये भी क्या, ये भी एक तरह का मिश्रण ही है, इसको हम लोग बोल सकते हैं मिश्रण ही है। तो देखिए मिक्सचर मिक्सचर मिश्रण को दो पार्ट में बांटा गया है, मिश्रण को दो पार्ट में बांटा गया। पहला समांग मिश्रण जिसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं दूसरा विसमांग मिश्रण, विसमांग मिश्रण जिसको हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब देखिए समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण क्या होता है, समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण क्या होता है, सो देखिए समांग मिश्रण क्या कि जो भी चीज को हम मिक्सचर कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिक्सचर कर रहे हैं, उसमें सब चीज का एक फिक्स प्रोपोर्शन हम लोग मिक्सचर कर रहे हैं। कुछ भी जैसे मान लीजिए क्या, एक बोतल दारू और उसमें दो गिलास पानी, तो फिक्स है कि हाँ हमको इतना ही मिक्सचर करना है, तो भी एक मिक्सचर ही है समांग। अगर ज्यादा पानी फेर दीजिएगा तो फिर मजा नहीं आएगा पीने में, तो वो भी क्या है, वो भी एक वेल मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर में उसको हम रखेंगे। और इसको ध्यान रखिएगा कि जो भी मिक्सचर है, जैसे मिक्सचर में क्या करते हैं कि हम लोग कोई भी एलिमेंट को मिला दे, सबसे पहले मिक्सचर में क्या होता है, कुछ भी चीज को हम लोग मिला दिए एक साथ, बालू मिला दिए, चीनी मिला दिए, सब एक साथ मिक्स कर दिए, पूरा सब्जी बनाते हैं, सब्जी में कद्दू आलू टमाटर बैगन सब एक चीज मिला दिया, नमक, तो वो क्या है, वो एक मिश्रण है, मिक्सचर है। और क्या कर सकते हैं, दूध में पानी मिला दिए, वो भी क्या है, वो भी एक मिक्सचर है, बारूद में कुछ भी मिला दिए, वो भी क्या है, मिक्सचर है। शरबत पानी में चीनी मिला दिए, पानी में नमक मिला दिए, तो ये सब क्या है, मिक्सचर है। मिक्सचर का प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, और कंपाउंड में क्या, इसको हम लोग साधारण विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, बस एक जो सिंपल मेथड है वो मेथड अपनाएंगे तो इसको अलग कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंड में क्या है, एक बार जो चीज बन गया, मिक्स करने के बाद जो एक चीज बन गया, उसको फिर हम लोग अलग करने में हम लोग को बहुत परेशानी होगा, इसलिए एक चीज यहां से ध्यान रखिएगा, ठीक। जैसे वायु देखिए, वायु में भी बहुत सारा मिक्सचर है, वायु में बहुत सारा गैस है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मतलब बहुत सारा गैस है, मीथेन है, सब क्या है, सब एक दूसरे का, सब एक दूसरे के साथ मिला घुला मिला हुआ है, और कुछ पता नहीं है कि कुछ कौन सा मिक्सचर कितना है, कोई वेल डिफाइन नहीं है कुछ, कोई बोलेगा कि ऑक्सीजन 21% है, चाहे नाइट्रोजन 78% है, वो एक फिक्स है कि हाँ जब प्रदूषण नहीं रहता है, एक नॉर्मल एटमोस्फेयर में रहता है, जब प्रदूषण फैलेगा तो फिर कुछ पता नहीं चलेगा कि कौन सा गैस कितना है, नहीं है। अब देखिए, अब जो मिश्रण होता है समांग या विसमांग मिश्रण, अब इसके बारे में आते हैं। मिश्रण को दो पार्ट में हम लोग बांटे, एक समांग मिश्रण और एक विसमांग मिश्रण। अब देखिए समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण क्या होता है। समांग मिश्रण जो हम अभी बताए, यौगिक क्या है, जितना भी कंपाउंड है सब एक समांग मिश्रण है, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर है। और अगर नॉर्मल में लेना हो तो नॉर्मल में जैसे देखिए पानी पानी प्लस चीनी, पानी प्लस चीनी दोनों को मिक्स करें, और पानी में इतना चीनी मिलाएंगे, पानी में इतना चीनी मिलाएंगे कि चीनी नीचे बैठे ना, मतलब उसको पूरा घोल देंगे, घोलने के बाद ना पता नहीं चलेगा कि उसमें चीनी है, चीनी डाला हुआ, वैसा मिश्रण को हम लोग बोलते हैं समांग मिश्रण, ध्यान रखिएगा।
अगर चीनी में चीनी पता चलने लगा पानी में कि हाँ इसमें चीनी है, मतलब पीने के बाद तो पता चली जाएगा कि हाँ मीठा इसमें चीनी है, लेकिन पीने से पहले उसमें पता नहीं चलना चाहिए कि इसमें चीनी मिश्रण है, तो ये समांग मिश्रण है। और फिर अगर उसको हमको अलग अलग करना है तो क्या करना होगा, उसको उबाल दीजिए, पानी को गर्म कर दीजिए, पानी को गर्म करने के बाद उबाल दीजिएगा तो फिर इसको आराम से अलग अलग कर सकते हैं, पानी भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा, उसको भी स्टोर करना है तो उसको भी स्टोर कर सकते हैं, फिर नीचे अपना चीनी बचेगा। तो इसको अलग करना बहुत सिंपल मेथड है। समान मिश्रण का एक और हम एग्जांपल दिए, वही एक बोतल दारू में दो गिलास पानी मिला दीजिए, उसमें भी क्या वो भी एक समान मिश्रण में रखेंगे होमोजेनियस में, क्योंकि उसमें ज्यादा पानी या ज्यादा शराब हो गया तो फिर प्रॉब्लम होगा, इसलिए वो भी एक फिक्स प्रोपोर्शन में रहता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आदि एक नॉर्मल एटमोस्फेयर में, नॉर्मल एटमोस्फेयर में क्या है, ये सब एक समांग मिश्रण का एग्जांपल है, क्योंकि सब वेल प्रोपोर्शन में, सब अनुपात में निकाला गया है कि 21% ऑक्सीजन है तो 78% नाइट्रोजन है, फिर उसके अलावा जो है उसमें 0.03% गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस टाइप से सब उसमें भी डिफाइन किया हुआ है कि हाँ समांग मिश्रण में ये होता है। अब देखिए ये तो समांग मिश्रण हो गया, विसमांग मिश्रण में क्या होता है, विसमांग मिश्रण में कुछ भी मिला दीजिए एक साथ, जैसे क्या करना है कि बालू चीज, बालू और नमक ढेर मानी एक ही साथ मिला दीजिए, तो ये क्या है, ये एक विसमांग मिश्रण। अगर इसको भी हम लोग अलग करना चाहे तो अलग कर सकते हैं, दोनों को अलग करना चाहे तो अलग कर सकते, क्या करेंगे कि हम पहले ही बताया कि इसको जो भी मिक्सर होगा ये समांग विसमांग अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर इसको हम लोग को फिर से स्टार्टिंग वाला प्रॉपर्टी में लाना, और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, ये दोनों को एक साथ मिलाने के बाद ये कोई नया प्रोडक्ट का निर्माण नहीं करता है, और जो जो शुरू में इसका गुण रहता है वो गुण बाद में भी रहता है, मिश्रण के बाद भी वो गुण रहता है। जैसे देखिए पानी चीनी क्या है, मीठा लगता है, उसमें पानी में घुल दीजिए तभी वो क्या लगेगा, मीठा ही लगेगा। अगर उसको अलग करना चाहे तो अलग कर सकते हैं, वैसे ही क्या है कि बालू और नमक दोनों को मिक्स कर दिया, थोड़ी ना अपना प्रॉपर्टी चेंज कर, अगर उसको अलग भी करना है तो उसको अलग भी कर सकते हैं। कैसे, उसको पानी में एक बार पूरा घोल दीजिए, पानी में घोलने के बाद सब जितना नमक है सब घुल जाएगा, नमक के घुलने का प्रॉपर्टी होता है जैसे ही घुल जाएगा उसको छान लीजिए, तो छानने के बाद जो चलनी होता है ना उसमें छान लीजिए, छानने के बाद क्या होगा, बालू ऊपर आ जाएगा, नीचे अपना पानी के साथ नमक आ जाएगा, फिर उसको उबाल दीजिए, उबालने के बाद नमक अलग हो जाएगा, पानी उड़ जाएगा, तो नमक बालू सब अलग, मतलब इसको आसानी से अलग अलग कर सकते हैं। और विसमांग मिश्रण में क्या हो सकता है, तेल ले लीजिए, सरसों का तेल और पानी, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलेगा ना, तो उसको भी हम लोग विसमांग मिश्रण में रखेंगे। तो कभी कभी एग्जांपल में एग्जांपल दे देगा, क्वेश्चन दे देगा, पूछ देगा कि कौन मिश्रण दे देगा, दो तीन मिक्सचर दे देगा और बोलेगा इसमें कौन समांग मिश्रण, मतलब कौन होमोजीनियस मिक्सचर, कौन हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो यहां से आप लोग समझ गए होंगे होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या आता है, होमोजीनियस में जो भी मिलाएंगे वो उसमें भी एक वेल प्रोपोर्शन रहेगा, लेकिन कोई भी इसमें प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा। और विसमांग मिश्रण में क्या है कि कुछ भी मिला दें, एकदम कोई भी फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है कि इसको इतना ही मिलाना है, इसको इतना ही मिलाना है, इसमें कुछ भी मिला दीजिए एक ही साथ, बहुत सारा चीज मिला दीजिए, कुछ ज्यादा कुछ कम, तो वो विसमांग मिश्रण होगा। अब फिर जैसे मिश्रण हो गया तो बहुत सारा चीज होता है कि एक ही साथ मिक्स कर दिए, और मिक्स करने के बाद फिर उसको हम लोग को हटाना है, जैसे हम क्या बताएं कि इसको मिश्रण होता है, मिश्रण को हम लोग आसानी से अलग अलग कर सकते हैं, तो वो भी है, बहुत सारा चीज होता है जिसको हम लोग मिक्स करके एक ही साथ रखते हैं और फिर उसको हमको हटाना भी है, मतलब अलग अलग दोनों करना है, तो उसको भी उसका भी बहुत सारा मेथड है। तो याद रखिएगा कि मिश्रण और यौगिक क्या होता है, यौगिक को हम लोग अलग जनरल मेथड से नहीं कर सकते, जैसा कोई बोलेगा पानी H2O क्या है, H2O मिश्रण नहीं है, ध्यान रखिएगा H2O क्या है, मिश्रण नहीं है, मिक्सचर नहीं है, H2O एक कंपाउंड है। देखिए हम आप लोगों को बोले कि सेपरेशन करना रहता है, मतलब अलग अलग करना रहेगा, कुछ कुछ मिक्सचर ऐसा चीज रहता है जिसको हम लोग को अलग अलग करना रहता है, जरूरी पड़ जाता है, तो उसको अलग अलग करने का भी मेथड है। जैसे देखिए पहला मेथड क्या है कि पहला मेथड हम लोग हैंड पिकिंग करके, हैंड पिकिंग मतलब हाथ से चुन चुन के
उसको मिश्रण को अलग कर सकते हैं। जैसे चावल है, चावल में कुछ कुछ कंकड़ पड़ गया तो भी क्या, वो भी एक तरह का मिश्रण ही है, तो उसको हम लोग को हटाना है, तो उसको कैसे हटाएंगे? कंकड़ तो ऐसे भी बड़ा बड़ा रहता है, बड़ा बड़ा कंकड़ रहता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, चुन देंगे, चुन चुन के हाथ से अपना क्या करेंगे, चुन देंगे। घर में देखते होंगे चुना आता होगा, तो वो क्या, वो एक पहला सेपरेशन, हम लोग मिक्सर का सेपरेशन करने का एक वो भी तरीका है कि हैंड पिकिंग से हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा सीविंग, मतलब चाल कर अलग कर सकते हैं। जैसे आटा चालते होंगे, आटा जो गेहूं का बनता है ना, उसको चालते होंगे, तो वो भी क्या है, उसमें भी देखिएगा बड़ा बड़ा पार्टिकल होता है, वो चला जाता है। अब बोलिएगा कि चावल को क्यों नहीं करते, क्योंकि चावल में उतना उतना बड़ा बड़ा जो हॉल होता है उतना बड़ा बड़ा नहीं होता है, मतलब जो चाल चलनी से चालते हैं उस चलनी का जो छोटा छोटा छिद्र होता है ना, वो उतना बड़ा नहीं होता है, इसके चलते उसमें चावल और कंकड़ सब अटक जाएगा, कुछ नीचे नहीं गिरेगा, और उसमें क्या आता है, पूरा महीन महीन रहता है, वो कर सकते हैं। याद नहीं तो फिर देखिएगा बालू, जो घर में अगर प्लास्टर हो रहा है या घर में कहीं काम चल रहा है, तो देखिएगा कि जो बालू होता है उसको भी चालता है लोग चलने से, जो वर्कर्स लोग होता है उन लोग चालते हैं चलने से। उसमें क्या होता है कि बड़ा 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 पार्टिकल इधर ही रुक जाता है, छोटा छोटा पार्टिकल अपना पास कर जाता है, और जो जिसको जैसे यूज करना, मान लीजिए बड़ा बड़ा पार्टिकल को यूज करना है तो वहां यूज कर लेगा, छोटा छोटा को यूज करना है तो वहां यूज कर देगा। तो ये सीविंग मेथड से होता है। और एक होता है सेडिमेंटेशन। अब देखिए सेडिमेंटेशन क्या होता है, इसको थोड़ा समझना जरूरी है। सेडिमेंटेशन मेथड क्या होता है, इसको समझाते हैं। सेडिमेंटेशन के द्वारा किसी भी चीज को हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं। देखिए सेडिमेंटेशन मतलब होता है स्कंदन। स्कंदन क्या होता है ना, आप लोगों को एक एग्जांपल देते हैं, जैसे नाली अगर अगल बगल कहीं बहता होगा तो नाली में देखिएगा ना कि नीचे पूरा गंदा है, काला काला एकदम पूरा, और ऊपर में देखिएगा व्हाइट है। या क्या कीजिए, एक ग्लास में पूरा एक मिट्टी ले लीजिए और मिट्टी को पूरा घोल दीजिए उसमें, और घोलने के बाद पूरा घुमा के उसके बाद उसको एक जगह छोड़ दीजिए स्थिर। उसके बाद देखिएगा ना कि उसमें जो मिट्टी का जो पार्टिकल वो धीरे 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 क्या होगा कि जो ग्लास है उस ग्लास के बॉटम में आ जाएगा, नीचे तली में आ जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट हो रहा है, स्कंद हो रहा है, मतलब नीचे 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 सब नीचे आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा ऊपर में जो पानी बनेगा, पानी बचेगा, उस पानी को क्या कीजिए, दूसरे जगह दूसरे बर्तन में या दूसरे जगह क्या कीजिए, उसको रख लीजिए। तो देखिएगा हद तक मतलब बहुत ज्यादा पार्टिकल नीचे बैठ जाता है। नदी में आप लोग पानी पीते होंगे, नदी में क्या होता है कि बालू को पूरा खोद के और पानी निकाल देते हैं, उसमें भी देखिएगा वो पानी रहता है, वो पानी में भी थोड़ा थोड़ा गंदा रहता है, लेकिन थोड़ा देर तक रुकते हैं, क्योंकि आप लोग बोलते हो कि थोड़ा देर रुकते हैं वो साफ हो जाए पानी, तो उसमें क्या होता है जो छोटा छोटा पार्टिकल होता है वो सेडिमेंट हो जाता है नीचे। तो वो जो प्रोसेस हो रहा है, जिस प्रोसेस के तहत वो पानी साफ हो रहा है, मतलब जो पार्टिकल नीचे जाके तल पे बैठ जा रहा है, वो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेडिमेंटेशन स्कंदन। तो इसको याद रखिएगा सेडिमेंटेशन क्या होता है। और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण आप लोग सुने होंगे, अपकेंद्रीय बल। अब देखिए अपकेंद्रीकरण सेंट्रीफ्यूगल से हम लोग कैसे किसी भी चीज को अलग करते हैं। अपकेंद्रीकरण जिसको हम लोग चार्मिंग भी बोलते हैं, चर्निंग, चर्निंग या सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्रीकरण याद रखिएगा। अब इस मेथड से हम लोग जैसे देखिए, आप लोग घर में देखते होंगे कि दही महा रहा, दही को मह रहा है पूरा एकदम मिक्स कर रहे, दूध को, दूध वाला तो नहीं देखे होंगे लेकिन दही वाला देखे होंगे घर में। उसमें क्या आता है कि पूरा उसको मिक्स कर रहे, मिक्स कर रहे, मिक्स करते करते उसमें से जो वसा होता है, फैट होता है, जिसको हम लोग घी बोलते हैं जनरली, वो क्या होता है तली के ऊपर छपिल जाता है, छपिलना ही बोलते हैं, ऊपर पूरा आके तैरने लगता है, फ्लोट करने लगता है। तो वो जो मेथड से, जिस मेथड से उसको मतलब पूरा इधर उधर किया, वो इधर उधर पूरा उसको हिला दिया जाता है, इतना ना ये ऐसे रहता है बर्तन, इसमें डाल दिए दही पूरा एक, इसको मखना बोलते हैं, उस मखना को डाल के पूरा इसे घुमा रहे। तो घुमाने के बाद देखिएगा कि इससे जो इसमें जो दही था, उस दही में से मक्खन क्या आ जाएगा, मक्खन अलग होकर ऊपर सरफेस पे आ जाएगा, और जो पानी है, पानी टाइप का जो बचता है उसको मट्ठा बोलते हैं, वो मट्ठा अलग हो जाता है। तो इस मेथड से कैसा चीज को हम लोग हटाते हैं, जैसे क्या है कि दोनों एक मिक्सचर मिश्रण है, दही भी क्या है, दही भी एक लिक्विड है, उसमें कुछ ऐसा चीज मिश्रण होता है, मिक्सित होता है, मिक्स होता है, जो और मेथड से नहीं हटाया जा सकता, उसी को हम लोग मतलब उसको पूरा हमको घुमाना है, पूरा उसको हिलाना डुलाना। तो वो कैसे हिलाएंगे डुलाएंगे,
यही जो मक्खन होता है उससे पूरा हिलाते दौड़ाते हैं, तो वो जिस प्रोसेस के द्वारा वो सब हट रहा उसमें से मक्खन अलग हो रहा और मट्ठा अलग हो रहा, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, अब केंद्रीकरण। ठीक, और इसका कहां कहां यूज होता है अब केंद्रीकरण में? मक्खन मक्खन उससे हल्का होता है और सीधे सीधे ऊपर छपिल जाता है। और इससे देखिएगा ना कि आप लोग देखते होंगे कि अगर जो मतलब मिस्त्री होता है जो लकड़ी उकड़ी फर्नीचर का काम करता है वो एक ड्रिल वाला मशीन रखता है, ड्रिल वाला देखिएगा ना कि ड्रिल वाला भी यही काम करता है। क्या करता है ना कि ड्रिल जब कहीं किसी जगह पे ड्रिल कीजिएगा ना तो वहां का जो मटेरियल होता है जितना बड़ा उसका पिन होता है उस पिन में जितना भी मटेरियल आ सकता है वहां का क्या करता है सबको अगल बगल निकाल के बाहर फेंकता है, तो वहां पे भी यही प्रोसेस होता है। कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल यानी अपकेंद्रीकरण वहां भी होता है। तो एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, एक चीज होता है फिल्ट्रेशन जिसको हम लोग छान कर क्या करते हैं छान कर अलग करते हैं। तो छान कर अलग करते हैं जैसे देखिएगा आप लोग गुड़ पीते होंगे, गुड़ घोर के और पीते होंगे उसमें छोटा छोटा पार्टिकल फंस जाता है, जैसे कुछ कुछ जिस समय गन्ना का काम होता है उस टाइम देखिएगा कुछ कुछ उसमें पड़ जाता है, तो वहां से उसको छान के हम लोग क्या करते हैं अलग करते हैं। मतलब बहुत सारा ऐसा जगह ऐसा चीज होता है जहां पे हम लोग छानते हैं, तो छान के चलनी से जो हम लोग का घर में चलनी होता है उसी से छान के अलग करते हैं। इसमें बड़ा बड़ा पार्टिकल छाना जाता है और छोटा छोटा पार्टिकल नीचे आ जाता है। साफ पानी करना है, पानी में कुछ गंदा चीज पड़ा हुआ है, ठोस पार्टिकल पड़ा हुआ है, ठोस पार्टिकल मतलब कि कुछ कंकड़ या और कुछ पड़ा हुआ है, तो वो सब को क्या करना है कि एक या पतला कपड़ा भी ले लीजिए, सूती कपड़ा जिसको बोलते हैं वो भी ले लीजिए और उसमें भी लिक्विड नीचे चल जाएगा और जो भी बड़ा बड़ा पार्टिकल है वो ऊपर ही रह जाएगा, तो उससे भी हम लोग छान सकते हैं। फिर एक होता है मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन से भी हम लोग किसी भी चीज को दो पार्टिकल को अलग कर सकते हैं, जैसे बालू और बालू में कुछ वैसा चीज, बालू में देखे होंगे कि बालू में बहुत सारा कण रहता है जिसमें मैग्नेट भी रहता है, तो आप लोग अगर छोटा वाला जो मैग्नेट रहता है ना वो बालू में डाल के देखिएगा ना तो जो बालू में जो भी मैग्नेटिक पदार्थ होगा वो उसके साथ चिपक जाता है, आप लोग देखे होंगे किए भी होंगे, तो वहां उसमें से हम लोग क्या पता चलता है कि बालू में भी कुछ कुछ मैग्नेटिक कण है, तो उससे फिर हम लोग अलग कर सकते हैं। अगर बालू और मैग्नेट को अलग करना है तो मैग्नेट क्या करेंगे, जो भी मैग्नेट हम लोग का है उसको बालू के नजदीक लाएंगे और वहां पे जितना मैग्नेटिक पदार्थ होगा सब को अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रोसेस मैग्नेटिक सेपरेशन से भी हम लोग अलग कर सकते हैं। और एक होता है सुब्लिमेशन, सुब्लिमेशन मतलब उर्ध्वपातन विधि द्वारा हम लोग अलग कर सकते हैं किसी चीज को। हम आपको पहले ही बताए थे कि जैसे दो पार्टिकल मिला हुआ है, मान लीजिए नमक मिला हुआ है और कुछ नमक मिला हुआ और नमक के पार्टिकल के जैसा ही एक पत्थर मिला हुआ, दोनों को हमको अलग करना है तो कैसे अलग कीजिएगा? चून तो वहां नहीं पाएगा, हाथ हैंड पिकिंग नहीं कर पाएगा, तो क्या करना है उसको डायरेक्ट गर्म करना है, गर्म कीजिएगा तो नमक अपने क्या होगा ऊर्ध्वपातित हो जाएगा और ठोस से वो लिक्विड में नहीं परिवर्तित होगा। ऊर्ध्वपातन मतलब क्या होता है कि ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जा रहा, वो ऐसे ही पदार्थ को तो ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, इसके बारे में हम पहले भी जिक्र किए हुए थे तो यहाँ पे ज्यादा उतना डिस्कस नहीं करेंगे। ये पिघलता नहीं है, ये सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, जैसे हम लोग साधारण नमक को अलग कर सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड को अलग कर सकते हैं, ये सबको अगर अलग करना है तो ये सबको डायरेक्ट हम लोग सुब्लिमेशन सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातित करेंगे और वहां से सीधे अलग अलग हो जाएगा। और बहुत सारा मेथड है जैसे डाइल्यूशन है, आप लोग अगर दारू जो होता है ना शराब गांव में बनता है महुआ वाला दारू, वो वहां दारू के भट्टी के पास जाके देखिएगा वो भी होता है, वहां भी एक प्रोसेस लगता है। तो बस अब लगभग ये खत्म हो गया है चैप्टर, अब ज्यादा उतना इम्पोर्टेंट तो इसमें है नहीं। अब देखिए अब इसी में एक चीज आता है, एक फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। देखिए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या आता है, मतलब भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन समझने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन होता है ना कि जैसे एक बार हम लोग कोई एक स्टेट था, वो स्टेट मतलब कोई एक अवस्था था, वो अवस्था से दूसरा अवस्था में कर दिया और फिर दूसरा अवस्था से फिर हम पहला अवस्था में ले आएंगे। जैसे देखिए जैसे पानी को हम लोग क्या कर रहे हैं, ठंडा करके ठोस बना दिए,
तो वो स्टेट चेंज करके, अवस्था चेंज करके, और फिर अगर हम लोग चाहें तो ठोस को यानी जो बर्फ बना हुआ उससे हम लोग फिर पानी बना सकते हैं। ये क्या है, ये हम लोग का फिजिकल चेंजिंग है कि फिजिकल चेंजिंग मतलब कि एक बार दूसरे चीज में ले आए और दूसरा को फिर पहला स्टेट में ला सकते हैं। जैसे देखिए हम लोग बाल कटाते हैं, बाल कटाइएगा तो थोड़ा चेहरा है ना अजीब टाइप का लगने लगेगा, लेकिन कुछ समय के बाद क्या है कि फिर बाल आ जाएगा, फिर बाल आ जाएगा तो फिर वो अपना फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो ये क्या है, एक फिजिकल स्टेट है। और केमिकल स्टेट क्या है कि जो एक बार चेंज हो गया वो फिर पुनः पहला अवस्था में नहीं आ सकता। जैसे कागज को जला दीजिए, कागज को जला दीजिएगा तो राख बन जाएगा, फिर सोचेगा कि राख से हम कागज बना लें तो बहुत मुश्किल है। ठीक, दूध को क्या करिए, दही बना दीजिए, फिर सोचेगा कि दही को हमको फिर दूध बना देना तो फिर वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब एक केमिकल प्रोसेस है, केमिकल चेंजिंग है, रासायनिक परिवर्तन है। अब जैसे देखिए एक बल्ब है, बल्ब को क्या करता है, जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो जल उठता है, लाइट देने लगेगा, फिर क्या करेंगे उसे इलेक्ट्रिक करंट बुझा देंगे, बंद कर देंगे तो फिर वो बंद हो जाएगा, फिर लाइट देंगे फिर जलने लगेगा, मतलब एक स्टेट में दूसरा स्टेट में तुरंत आ जा रहा है। तो भी क्या है, वो भी एक तरह का फिजिकल स्टेट। और जब बल्ब को फोड़ दीजिएगा और फिर सोचिएगा वही जो फूटा हुआ पार्ट है उसको कर ले, उसको फिर से शीशा बना दे, तो मान लीजिए बना दीजिएगा उसको गला कर ये सब करके बना दीजिएगा, लेकिन थोड़ा प्रोसेस बड़ा लंबा होता है, लेकिन उसको भी हम लोग फिजिकल स्टेट में ही रखेंगे। नमक का बिलियन, नमक का पानी दोनों को घोल दिए, फिर सोचिएगा कि नमक को अलग कर ले पानी को अलग कर ले तो आराम से कर सकते। ये सब क्या है, ये सब हम लोग का एक फिजिकल स्टेट है। तो ये सब ध्यान रखना है, फिजिकल स्टेट क्या आता है, केमिकल स्टेट सॉरी फिजिकल चेंज क्या आता है, केमिकल चेंज क्या आता है, जल को वाष्प बनना मतलब पानी को भाप बना के उड़ा दिया, फिर सोचेगा कि वो जो भाप बना उसको पानी में ले आए तो ठीक है, जो भाप है उसको ठंडा कर दीजिए, उसको स्टोर कर लीजिए भाप को, और उसको ठंडा करके फिर से लिक्विड बना सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब फिजिकल चेंज है, ये सब क्या फिजिकल चेंज है। अब देखिए अब केमिकल चेंज क्या आता है, केमिकल चेंज क्या आता है, लोहा में जंग लग गया, जंग लग गया, रस्ट लग गया। अब फिर सोचिएगा कि रस्ट से जो रस्ट लगा हुआ है, जंग लगा हुआ है, उससे फिर हम लोहा प्राप्त करें तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो ये सब क्या है, ये सब एक केमिकल चेंज है। तो एग्जाम्पल दे सकता है कि मतलब चार ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि इसमें कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो जो बता रहे उसको केवल ध्यान में रखना है। क्या कीजिए, अब लकड़ी को जला दीजिए, लकड़ी को जला के उसको कोयला में चेंज कर दीजिए, और कोयला लकड़ी को जला के कोयला में चेंज कीजिएगा, और फिर सोचिएगा कोयला से लकड़ी बना ले तो नहीं होगा, तो ये सब क्या रासायनिक परिवर्तन है। फिर सोचिएगा कोयला को हम लोग जला के उसको राख बना दिए, फिर राख से सोचिएगा कि हम कोयला बना ले तो फिर मुश्किल है। तो ये सब क्या है, ये सब है केमिकल चेंजिंग है। हम लोग का जो भी भोजन पचता है वो भी क्या है, वो भी एक केमिकल चेंजिंग है। अब देखिए भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या हो सकता है, तो लिख देते हैं थोड़ा सा, लिख देने से ज्यादा आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। इधर रहेगा क्या, फिजिकल चेंज रहेगा पीसी, और इधर रहेगा केमिकल चेंज रहेगा सीसी। तो ध्यान रखिएगा फिजिकल चेंज में जो भी चेंजिंग आता है इसका जो फंडामेंटल गुण होता है, फंडामेंटल गुण मतलब मौलिक गुण होता है, जो भी वस्तु है जो भी चीज को हम लोग चेंज कर रहे हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले रहे हैं, तो इसमें मौलिक गुण में कोई चेंजिंग नहीं आता है, इसका मौलिक गुण में कोई चेंजिंग नहीं आता, लेकिन इसका मौलिक गुण में क्या होता है, सब प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाता है, इसका टोटल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। सेकेंड में क्या आता है, सेकेंड में ये क्या रहता है, ये अस्थायी रहता है, ये अस्थायी। अस्थायी कहने का मतलब क्या कि एक बार हम लोग चेंज किए तो फिर उसको फिर से वो स्टेट में ले आएंगे, लेकिन ये चेंजिंग क्या है, ये केमिकल चेंजिंग अस्थायी है, एक बार अगर चेंज कर लिए तो फिर उसको पहला स्टेट में नहीं ला सकते। फिर थर्ड क्या है, थर्ड में है कि ये कोई भी नया पदार्थ नहीं बनाता है। जैसे देखिए लिक्विड को अगर ठंडा कीजिएगा तो ये ठोस बनाएगा, ठोस में तो ले आता है, लेकिन ऐसा भी कोई नया परिवर्तन नया पदार्थ नहीं बना देता है कि जिसका कुछ सब चीज गुण अलग हो जाए, इस टाइप इसके लिहाज में मतलब बोल रहे हैं उसके कंपेयर में। ये थोड़ा बहुत ये कोई नया पदार्थ नहीं बनाता, लेकिन ये नया पदार्थ बना देता है, और वो ऐसा नया पदार्थ बनाता है जिसको फिर से पुनः पहला स्टेट में हम लोग ला भी नहीं सकते। ये अस्थायी होता है, वो ये अस्थायी होता है, ये अस्थायी होता है, ये भी हो गया।
हाँ, और इसका जब देखिए ये जो स्टेट होता है इसका द्रव्यमान में कोई परिवर्तित नहीं होता। जब भी कोई भी स्टेट को एक स्टेट से एक अवस्था से दूसरा अवस्था में चेंज कर दीजिएगा तो द्रव्यमान उतना ही रहेगा, लेकिन इसमें द्रव्यमान में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता। अगर 5 किलो आप लोग कोयला को जलाइएगा ना, तो उससे जो राख मिलेगा ना वो 1 किलो भी राख नहीं मिलेगा, हमको लगता है कि 500 ग्राम भी नहीं राख मिलेगा। तो इसमें द्रव्यमान में क्या हो जाता है, चेंजिंग आ जाता है, क्योंकि वो फिजिकल चेंजिंग हो रहा है। फिजिकल चेंजिंग में सब चीज अपना प्रॉपर्टी चेंज कर देता है पहले के कंपेयर में। तो ये था एक चीज, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो यहां से भी एग्जांपल में पूछ देगा कभी कभी, एग्जांपल में जैसे 4 ऑप्शन दे देता है, वहां से बोलेगा कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। बस आज केमिस्ट्री को इतना ही तक रखते हैं, फिर इसके अगला दिन और हम लोग इसके आगे जो भी पार्ट बचा हुआ जो भी पार्ट होगा उसको जिक्र करेंगे। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे सोल्यूशन मतलब बिलियन के बारे में पढ़ेंगे, उसमें भी पढ़ेंगे संतृप्त बिलियन क्या होता है, असंतृप्त बिलियन क्या होता है, सेचुरेटेड नॉन सेचुरेटेड ये सब क्या होता है, वो सब हम लोग अगले पार्ट पढ़ेंगे। इसके बाद फिर ये खत्म हो जाएगा, फिर अगला एक और टॉपिक आएगा, मतलब ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, अगला चीज और एक चीज बचा हुआ है सोल्यूशन, तो उसको पढ़ लेंगे। ठीक, बस आज का वीडियो इतना ही तो रहेगा। वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, एक बार वीडियो को शेयर कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा उसके शेयर कीजिए। क्वेश्चन अभी करवा नहीं रहे हैं तो वो सब करवाएंगे, क्वेश्चन भी जितना ज्यादा से ज्यादा उसके करवाएंगे, पहले थ्योरी पढ़ा लेते हैं इसके बाद फिर क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक, थैंक यू, बाय।